इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद के एक पोलिंग बूथ में मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, प्रदेश के अंदर और नगर निकाय में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है, जिससे प्रदेश के साथ ही शहर का भी विकास हो सके। वहीं बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने कहा, बीजेपी भारी अंतर से जीतेगी और इतिहास बनाएगी। मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल जी से हम सब बातचीत कर लेंगे, आप आओ। जीत तो भाजपा की उस दिन है, उस दिन ही होगी। जीतेगा, जीतेगी भाजपा। कितना हार जीत का क्या अंतर मान के कुछ बड़ा अंतर होगा मेयर में, तो बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। इतिहास बनेगा मुझे लगता है। हम थोड़े से मैं सारे और बाकी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया इस बार? खूबसूरत शहर बनाए, इंदौर जैसा शहर बनाए, सब नागरिक हमारा साथ दें। छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, कहीं कहीं बड़ी भी हैं, तो उनको दूर करेंगे। अभी तक हमारा निगम रहा, इस सभी मेयर ने बहुत अभूतपूर्व विकास किया है, तभी ये महानगर का इतना सुंदर रूप निकल के आया है। और इसको कैसे बढ़ा के और सुंदर चौमुखी विकास हो, छोटी समस्याएँ भी दूर हों और बड़ी भी, और नागरिकों के बीच में उपलब्धता रहे अपने भाई बहनों, जिससे उनकी बात को समझ सकूँ, इतना मेरा मानना है। और समझ जाऊंगी तो करने में सहायता मिलेगी। मैम, इस बार पार्टी में नाराजगी भी बहुत है, तो क्या उसका असर मार्जिन पर कुछ पड़ सकता है? नाराजगी छोटे चुनाव में सबकी इच्छा जागृत कई बार हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ी रही है, पर किसी चुनाव पे कोई असर नहीं है बड़े वाले से। और छोटे भी बहुमत में जीतेंगे। क्या उम्मीद है कि कितने वोट कितने मार्जिन से जीतेंगे? बहुत अभूत 25% में सारे और बाकी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही। अच्छा, डाला अभी डालूंगा।